हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन इन आवर करंट अफेयर्स क्लास। तो हम लोग देखने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स क्लास में, बेसिकली आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होगा हमारा कल्चर के करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो इसमें हम लोग जरा फटाफट देख लेते हैं। देखने से पहले दिस इज आवर इन्फॉर्मेशन, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में दिया हुआ है जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट क्लियरेंस के लिए। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रखी है, आप उसको फटाफट ज्वाइन कर लीजिए जहां पर आपके सारे मटेरियल वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी गई है जिसके थ्रू भी आप मटेरियल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड और मेंस ओरिएंटेड दोनों ही हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देकर के रखी हुई है। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज, दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। अब जरा हम लोग शुरू करते हैं हमारा करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में सबसे पहले हमारी करंट अफेयर्स आती है, दिस इज नागार्जुन एक्सकवेशन एंड वकाटका डायनेस्टी। तो हम लोग बेसिकली वकाटका डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, बेसिक्स देखेंगे, ताकि आपका करंट अफेयर्स और इससे रिलेटेड कल्चर का जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है वो काफी क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर फटाफट जरा सा हम लोग बेसिक्स देख लेते हैं। तो देखिए, अगर वकाटका डायनेस्टी के बारे में बात किया जाए, वकाटका डायनेस्टी, तो ये वकाटका डायनेस्टी का अगर पीरियड देखते हैं, तो ये डायनेस्टी है, ये इसका पीरियड अगर बात करें तो पीरियड इज इन बिटवीन 255 CE से लेकर के 500 ईस्वी तक होता है इसका, ये ईस्वी होता है, सीई मतलब ईस्वी। तो ये हमारा जो होता है कॉमन एरा, ये हमारी इसकी डायनेस्टी हो जाती है। अगर बात करें इसकी डायनेस्टी फैली कहां थी, तो देखिए दिस इज आवर मैप, और यहां पर इस समय तक गुप्ता एम्पायर आ गया था, दिस वॉज द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर जो नॉर्थ इंडिया था, इस नॉर्थ इंडिया पे गुप्ता एम्पायर का राज हो गया था। इसके अलावा ये जो महाराष्ट्र का रीजन था, इस रीजन में सातवाहन आना शुरू हो गए थे, सातवाहना, ठीक है, सातवाहन डायनेस्टी हुआ करती थी। इसके अलावा बाकी साउथ में हमारे चोल चेर पांडी वाले इलाके तो थे ही, दिस वॉज द चोला, ठीक है, चोल, दिस वॉज चेर, ठीक है, और नीचे हमारे पांडे हुआ करते थे, पांड्याज, ठीक है, तो ये हमारे रीजन हुआ करते थे। यहां पर एक छोटा सा रीजन था, इस छोटे से रीजन में वकाटका डायनेस्टी स्टार्ट होती है, वकाटका डायनेस्टी इस रीजन से स्टार्ट होती है। और इस रीजन में होता क्या है कि जो सातवाहन है ये वीक हो जाते हैं और इनका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली सातवाहनास का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है, और इस डिक्लाइन के कारण यहां पर चालुक्यास का राइज होना शुरू हो जाता है। और इन दोनों के बीच में ही ये जो डायनेस्टी है वकाटका डायनेस्टी, ये वकाटका डायनेस्टी अब धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाती है, स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है। तो स्ट्रांग हो जाती है ये। अगर बात करते हैं इस वकाटका डायनेस्टी के बारे में, तो इसकी जो कह लीजिए एस्टैब्लिशर थे, जो संस्थापक थे, उनका नाम था विंध्य शक्ति, तो ही वॉज बेसिकली विंध्य शक्ति, ठीक है। इस राज्य में, इस डायनेस्टी में ब्राह्मणिज्म बहुत ज्यादा फैला हुआ था, ब्राह्मणिज्म, ठीक है, तो ब्राह्मणवाद बहुत ज्यादा फैला हुआ था। अब ये ब्राह्मणवाद क्या है, कैसे है, इसकी कैपिटल पहले आप लोग जान लीजिए कि इसकी कैपिटल जो थी, ये सारा एग्जाम एक्चुअली पूछा जाता है, इसकी कैपिटल थी विदर्भ। और अगर इसके मतलब एक्सटेंशन के बारे में बात किया जाए, तो इसका एक्सटेंशन स्टार्ट होता है गुजरात, मतलब महाराष्ट्र के, नॉर्थ महाराष्ट्र से आप चल सकते हैं, नॉर्थ महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है और ये विंध्याज या कह सकते हैं विदर्भ तक है, विदर्भ तक इसका पूरा को पूरा एक्सटेंशन होता है। हालांकि बाद में ये लोग अपने एक्सपेंशन वगैरह कर लेते हैं, बट यहीं से इनकी शुरुआत होती है, नॉर्थ महाराष्ट्र और विदर्भ के बीच से। तो इस तरीके से इनका डायनेस्टी हो जाता है। थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा कि वकाटका डायनेस्टी कहां पर है, और बेसिकली मतलब बाकी सारी चीजें जितनी भी डिटेल्स है वो हम लोग हिस्ट्री वाले पार्ट में करेंगे। हम लोग जरा आते हैं वकाटका डायनेस्टी में, और जरा देखते हैं इनके रूलर्स कौन कौन से हैं। तो रूलर्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने आप लोग को बताया ही कि विंध्य शक्ति इनका संस्थापक था, एस्टैब्लिशर था। विंध्य शक्ति के बाद जो दूसरा राजा बनता है उसका नाम रहता है प्रवरसेना वन, क्लियर। प्रवरसेना वन के बाद जो नेक्स्ट रूलर बनता है उसका नाम रहता है रुद्रसेना वन। रुद्रसेना वन के बाद जो दूसरा राजा, नेक्स्ट राजा बनता है उसका नाम रहता है पृथ्वीसेन के बाद जो दूसरा राजा बनता है इसके बाद उसका नाम रहता है रुद्रसेना सेकेंड। अब ये लोग अपने पूर्वजों के नाम पर नाम रखना शुरू कर देते हैं।
रुद्र सेना वन के बाद जो नेक्स्ट राजा बनता है उसका नाम अगेन प्रवरा सेना हो जाता है, प्रवरा सेना सेकंड। इस प्रवरा सेना के बाद जो नेक्स्ट राजा बनता है उसका नाम रहता है नरेंद्र सेना। इस नरेंद्र सेना के बाद जो नेक्स्ट राजा बनता है वो रहता है पृथ्वी सेन और बाद में आदिसेन वगैरह बन जाते हैं। दैट इज हाउ डिक्लाइन ऑफ वकटका डायनेस्टी खत्म हो जाती है। इस तरीके से पूरी की पूरी डायनेस्टी समाप्त हो जाती है। इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा सा डिटेल के बारे में, थोड़ा थोड़े से चीजों के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग जरा स्टार्ट करते हैं विंध्य शक्ति के बारे में। विंध्य शक्ति के साथ क्या होता है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो लेट अस टेक ब्लू इंक, ठीक है। तो अब क्या है विंध्य शक्ति के बारे में बात करें तो देखिए इनकी ये लो 255 से 275 CE कॉमन एरा तक ये राज करते हैं, मतलब टोटल बात करें तो 20 साल तक इनका राज होता है। ये कंटेम्पररी तो गुप्ता पीरियड है, सीधी सी बात है। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर गुप्ता पीरियड फैला हुआ है और यहां पर हमारी वकटका डायनेस्टी है। गुप्ता पीरियड की भी जो कह लीजिए कि स्टार्टिंग एज होती है वो इसी एज के दौरान में ही होती है, गुप्ता एज भी इसी दौरान में स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो गुप्ता एज का भी ये राइज पीरियड होता है और राइज पीरियड के साथ ही ये लोग अब धीरे धीरे क्या होंगे, स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। और इसमें समुद्रगुप्त आता है, समुद्रगुप्त जिसको बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। और ये क्या है, पूरा का पूरा भारत, पूरा इंडिया जीत जाता है। लेकिन इसके साथ क्या होता है, वकटका के साथ कुछ कुछ रिलेशन है, बात करते हैं हम लोग क्या है। तो जो संस्थापक होता है मतलब जो एस्टैब्लिशर है वो है विंध्य शक्ति, जो कि गुप्ता एज का कंटेम्पररी है। इसने ये क्या करता है कि जो विंध्यास के इलाके हैं, विंध्यास के आसपास के जो इलाके हैं उन पर ये अटैक करता है। और इस समय सातवाहन जो कि अपने वीक एज में आ जाते हैं, इन्हीं के चार एरिया को, चार टेरिटरीज को अटैक करता है और अल्टीमेटली इसको जीत लेता है। ये ब्राह्मणिज्म का बहुत ज्यादा पुजारी रहता है और ब्राह्मणिज्म को ही फॉलो करता है, ब्राह्मणिज्म को ही बहुत ज्यादा फेवर करता है, प्रमोशन करता है। अब जैसे क्या है, भूमिदान करना, मतलब कि जितने भी आपके लैंड रिसोर्स हैं उनको गिफ्ट वगैरह में देना। इसके अलावा वैदिक जो यज्ञ वगैरह होते हैं वो करवाता रहता था। तो बेसिकली क्या है कि वो ब्राह्मणिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा था। और इनफैक्ट जो यहाँ जो हमारा ये विंध्य शक्ति है, ही वॉज द ओनली मैन हु प्रमोटेड वैदिक कल्चर इन द साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में जैसा कि आप लोग को पता है कि बेसिकली द्रविड़ियन कल्चर ही है, तो लेकिन ये द्रविड़ियन कल्चर की जगह पर जो भी थोड़ी मोड़ी वैदिक कल्चर है, और ये वैदिक कल्चर को लेके आने वाला यही हमारा विंध्य शक्ति ही है। समझ में आ गया क्या है, तो ये विंध्य शक्ति ही साउथ में थोड़ी मोड़ी जो भी लेकर के गया वो लेकर के गया है। इसके बाद क्या होता है, विंध्य शक्ति के बाद ये विंध्य शक्ति की मृत्यु हो जाती है, मर जाता है, डेथ हो जाती है। और उसके बाद से इसका जो बेटा होता है, सन जो रहता है, वो राजा बन जाता है प्रवरा सेना। और ये 60 साल तक राज करता है, मतलब कि 275 CE से 335 CE तक ये राज करता है, कॉमन एरा तक राज करता है, नियरली 60 ईयर्स। यानी सीधी सी बात है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग राजा रहा होगा, तभी ना इतना ज्यादा मतलब राज किया। लेकिन इसके पीछे रीजन है, चूंकि इनकी जो टेरिटरी है इसके नेबरहुड में, अब जैसे ये हमारी मान लेते हैं वकटका है, दिस इज वकटका, ठीक। वकटका के पास में ये है सातवाहन, और सातवाहन अपने डिक्लाइन फेज में है, मतलब ये वीक हो चुके हैं। वीक हो चुके हैं मतलब इधर से अटैक का खतरा तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये लोग अटैक जरूर कर सकते हैं, ठीक। दूसरे साइड यहां पर है चालुक्या, चालुक्या गवर्नमेंट, चालुक्या डायनेस्टी कह सकते हैं कि यहां पर स्टार्ट हो रही थी। तो ये राइज स्टेज में थी। जब भी कोई चीज राइज में होती है तो बहुत ज्यादा अपनी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाते हैं, तो बहुत ज्यादा पहले प्रोटेक्शनिस्ट रहते हैं, देन जब वो स्ट्रांग हो जाते हैं तब वो आगे जा करके अपने आप को मतलब एक्सपैंड करना शुरू करते हैं, लेकिन फिलहाल ये रोके रहते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो वकटका डायनेस्टी है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग निकल के आ जाती है और ये एक्सपेंशन करना शुरू कर देती है। तो प्रवरा सेना के टाइम पे एक्सपेंशन का काम बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है। और क्यों होता है आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि दोनों साइड में अभी एक तरीके से प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाई जा रही है, एक साइड में डिक्लाइन हो रहा है, दूसरे साइड में राइज हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो प्रवरा सेना रहता है ये पूरा का पूरा इस पूरे इलाके को अटैक करके अपने कब्जे में कर लेता है। और ये जो आपका बुंदेलखंड का रीजन है, दिस इज बुंदेलखंड, जो कह लीजिए कि मालवा के ऊपर का पार्ट पड़ता है, मालवा प्लेटू के ऊपर का पार्ट जो कि यूपी में आता है, बुंदेलखंड से लेकर के विदर्भ तक का पूरा इलाका ये जीत लेता है। विदर्भ क्या, इनफैक्ट यहां पर आया हैदराबाद, हैदराबाद तक के इलाके को अपने कब्जे में ले लेता है। एंड दैट इज हाउ ये जो वकटका डायनेस्टी है कुछ इतने एरिया में फैल जाती है। ये पूरा इलाका जो होता है वकटका डायनेस्टी के अंडर में आ जाता है। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो वकटका डायनेस्टी इस तरीके से आ जाती है। यहां पर क्या होता है, ऊपर से शक का, जैसे शक हो गया, हूण हो गए, इन लोगों का अटैक हो रहा होता है। तो बेसिकली शकों के अटैक को ये लोग रोकते हैं और अपना
इन्फ्लुएंस दिखाना शुरू करते हैं. इनफैक्ट दे स्टार्टेड अटैकिंग टुवर्ड्स शका डायनेस्टी. शक लोगों के ऊपर ये अटैक करना शुरू कर देते हैं. और इस तरीके से चीजें होती हैं. देखिए शक वगैरह के बारे में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे डिटेल में. तो यहां पर आपको देखिए सीधी सी बात है, हिस्ट्री का मैंने बीच का टॉपिक उठाया हुआ है तो आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी. बस आप मान लीजिए कि यहां पर शक का अटैक होता है इस तरीके से और उसके ये लोग रिपेल करते हैं क्योंकि ये भी लोग स्ट्रांग हो चुके हैं. बाकी साउथ में तो कुछ ज्यादा खास है नहीं क्योंकि अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट का राइज हो रहा है. चोल लोगों को बाकी किसी से मतलब नहीं था क्योंकि ये लोग नेवी वगैरह मतलब कि ये लोग मतलब इस मलेशिया के रीजन में ये लोग ज्यादा मतलब उधर के साइड अट्रैक्ट हो रहे होते थे. बाकी पांड्या चेरा ये लोग कोई दिक्कत नहीं थी, ये लोग अपना स्ट्रांग बने हुए थे. ठीक है, तो सेंट्रल इंडिया में मेनली एक जो डायनेस्टी है वकाटका डायनेस्टी स्ट्रांग निकल के आ गई थी और साथ ही गुप्ता अंपायर ये स्ट्रांग बना हुआ था उस समय तक. क्लियर हो गया. तो इस तरीके से इन्होंने क्या है शकों के अटैक किया और बेसिकली जो राजा प्रवर सेना है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग रूलर के रूप में उभर करके सामने आया. इसके बाद क्या होता है, इसकी जो प्रवर सेना है ये भी मर जाता है और इसके बाद से इसका जो बेटा रहता है रुद्र सेना वन वो बनता है राजा. और ये आता है 335 ईस्वी से 360 ईस्वी तक रहता है ये. ठीक है, करीब करीब 25 साल तक रहता है और ये शैविज्म फॉलो करता है, शैविज्म महाकाल. ठीक है, ये क्या करता है कि अब हुआ क्या कि एक साइड ये भी स्ट्रांग होते आ रहे हैं, गुप्ता भी ये स्ट्रांग होते आ रहे हैं और ऊपर से गुप्ता अंपायर भी जो होता है, सॉरी यहां से वकाटका भी स्ट्रांग हो रहा है, ऊपर से गुप्ता अंपायर भी स्ट्रांग हो रहा है और एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते हैं. तो इधर से इनका स्ट्रांग इन्फ्लुएंस हो रहा है, इधर से इनका स्ट्रांग इन्फ्लुएंस हो रहा है और यहां पर आ जाता है समुद्रगुप्त. और समुद्रगुप्त क्या है, बहुत ही ज्यादा समुद्रगुप्त हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है. तो कंटेम्प्ररी हो जाते हैं दोनों, मतलब यहां पर रुद्र सेना ये कंटेम्प्ररी रहता है समुद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त. और दोनों ही स्ट्रांग है, सीधी सी बात है दोनों ही स्ट्रांग है. ये क्या है स्ट्रांग बन करके मतलब जमीन से उठ करके ऊपर उठा है जबकि प्रवरा सेना ये ऑलरेडी एम्पायर को स्ट्रांग कर चुका है और उस स्ट्रांग अंपायर में रुद्र सेना ये उभर करके सामने आता है. तो दोनों योद्धा रहते हैं, दोनों एक दूसरे के कह लीजिए कि जो होता है एकदम ब्रेव मैन है. तो दोनों आपस में क्या करते हैं, दोनों आपस में लड़ने की बजाय दोनों क्या कर लेते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं. चलो भैया दोनों फ्रेंड हो गए. तो इस तरीके से दोनों फ्रेंडशिप कर लेते हैं और इस तरीके से दोनों आपस में ट्रीटी कर लेते हैं. अब होता क्या है कि समुद्रगुप्त पूरे भारत को जीत लेता है लेकिन वकाटका को टच नहीं करता है क्योंकि उनके साथ ऑलरेडी इसकी फ्रेंडशिप हो रखी होती है. तो इसने समुद्रगुप्त ने जितनी भी प्रयाग प्रशस्ति वगैरह जो भी बनाई हुई है उसमें सबका नाम है, सबको हराने वाले का नाम है लेकिन इस रुद्र सेना का नाम नहीं है, वकाटका डायनेस्टी का नाम नहीं है. क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है फ्रेंडशिप हो गई थी उनके साथ तो उनको कोई खतरा नहीं था. और फ्रेंडशिप है तो सीधी सी बात एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि दे हैड ऑलरेडी अलायंस विद देमसेल्व्स, तो अलायंस बना के रखे हुए थे. तो इस तरीके से दोनों मिल करके चला रहे थे काम. अब हुआ क्या कि इसके बाद ये मर जाता है रुद्रसेना और इसका फिर बेटा पृथ्वी सेन ये बन जाता है राजा. और ये थोड़ा सा पीसफुल नेचर का रहता है, ज्यादा युद्ध युद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, ज्यादा लड़ाई वड़ाई नहीं करता है क्योंकि ऑलरेडी गुप्ता एम्पायर जो होता है वो काफी स्ट्रांग हो चुका होता है और वो इसको अच्छा खासा प्रोटेक्शन दे रहा होता है. धीरे धीरे क्या होती है, जब बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप अच्छी हो जाती है तो दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, रिलेशन बनाने की कोशिश कर लेते हैं. और यही रिलेशन बनाने की कोशिश यहां पर भी की गई. हुआ क्या कि जो इनका बेटा पृथ्वी सेन का जो बेटा था सन, जो रुद्र सेना था, इस रुद्र सेना का गुप्ता अंपायर और इस गुप्ता अंपायर के कंटेम्पररी है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, जिनको हम लोग बोलते हैं विक्रमादित्य, विक्रमादित्य. इसकी बेटी रहती है, इसकी डॉटर रहती है, इसका नाम रहता है प्रभावती देवी, प्रभावती देवी. इस प्रभावती देवी का इस रुद्र सेना के साथ में शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है. अब भाई साहब दोनों जो फ्रेंड थे अब आज की डेट में दोनों के दोनों रिलेटिव बन जाते हैं और इस तरीके से मैरिटल रिलेशन बन जाती है. और आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी कोई साम्राज्य का, किसी डायनेस्टी का, किसी टेरिटरी का एक्सपेंशन करना होता था तो दोनों के दोनों शादी कर लेते थे. तो इस तरीके से दोनों की शादी हो जाती है एंड दैट इज हाउ रुद्र सेना के घर में आ जाती है प्रभावती देवी. बहुत ही स्ट्रांग महिला रहती है, मतलब समझ लीजिए कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही स्ट्रांग. रुद्र सेना और प्रभावती देवी के दो बच्चे होते हैं, कहां लिखा जाए, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं. यस, तो यहां पर क्या है, रुद्र सेना और प्रभावती के दो बच्चे होते हैं, दोनों सन रहते हैं. एक सन का नाम रहता है दामोदर, एक सन का नाम रहता है, वैसे बड़े वाले का नाम रहता है दिवाकर सेन, दिवाकर सेन, और छोटे वाले का नाम रहता है दामोदर सेन, दामोदर सेन.
रुद्र सेना क्या होता है कि जब शादीवादी हो जाती है तो 5 साल के बाद ये बेचारा मर जाता है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है इसकी। अब सीधी सी बात है, जब ये डेथ हो जाएगा तो राजा कौन बनेगा, बड़ा बेटा बनेगा, बड़ा बेटा रहता है दिवाकर सेन, लेकिन ये क्या रहता है, अंडर एज रहता है। तो जब भी अंडर एज कोई रहता है तो इसके प्रोटेक्टर मतलब इसके नाम पे शासन, इसके नाम पे गवर्नमेंट चल रही होती है, और एक्चुअल में जो रूलर रहता है, नाम के लिए रूलर ये है, लेकिन एक्चुअल में प्रभावती देवी अपने हाथ में रखती है सारा गवर्नमेंट, प्रभावती देवी। और चूंकि गुप्ता एम्पायर की है तो बचपन से ही पूरा का पूरा साम्राज्य वगैरह देखी रहती है। तो ये क्या करती है, 13 साल तक ये रूल करती है, 13 ईयर्स तक ये रूल कर रही होती है, बहुत ही स्ट्रांग रूलर रहती है। तो इस तरीके से रूल कर रही होती है। लेकिन फिर होता क्या है कि 390 से ये 403 सीई तक ये राजकीय रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, दिवाकर सेन, इसकी भी डेथ हो जाती है, ये भी बेचारा मर जाता है। अब ये मर जाएगा तब आ जाता है दामोदर सेन, और दामोदर सेन अगेन अंडर एज रहता है, और इस अंडर एज होने के कारण से फिर से प्रभावती देवी ही राज कर रही होती है, प्रभावती देवी यही राज कर रही होती है। और ये क्या होता है कि नियर अबाउट 5 ईयर्स राज कर रही होती है, मतलब 405 से 410 तक ये राज कर रही होती है। और तब तक क्या होता है कि दामोदर सेन एडल्ट हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो फिर इसका वही कारनेशन वगैरह कर दिया जाता है और इसको किंग बना दिया जाता है। तो जब किंग बनता है तो ये अपना नाम दामोदर सेन से हटा करके अपना नाम बदल के रख लेता है प्रवरसेना सेकेंड। और हम लोगों ने डायनेस्टी में देखिए यहां पर देखा हुआ था कि प्रवरा सेना बन जाता है, रुद्र सेन के बाद सेकंड आ जाता है प्रवर सेना। तो बेसिकली यही है वो दामोदर भाई यही है, दामोदर सेन यही है, इसी का दूसरा नाम आ जाता है हमारा प्रवरा सेना। अब प्रवरा सेना क्या होता है, अगेन बहुत ज्यादा जो होता है वो स्ट्रांग रहता है, स्ट्रांग रूलर। अरे मम्मी है इसकी इतनी बढ़िया, स्ट्रांग तो जो है ये भी तो रहेगा, तो काफी स्ट्रांग रहता है। लेकिन ये क्या आता है कि आर्ट एंड कल्चर में अगेन इसका काफी ज्यादा मन रहता है, तो कई सारे जैसे चैत्य विहार जितने भी होते हैं ये सब बनवाता है। इसके अलावा ये लिटरेचर में बहुत ज्यादा इसका मन लगता है, तो इसने क्या एक लिटरेचर लिखी रहती है जिसका नाम रहता है सेतुबंध। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आपसे प्रोबेबल है पूछा जा सकता है, तो इस वजह से मैं सारा डिस्कस कर रहा हूं। जो प्रवरा सेन रहता है इसके अगेन शादी हो जाती है और इसका एक बेटा होता है, और बेटे का नाम रहता है नरेंद्र सेन, जो हम लोगों ने डिस्कस किया अपने डायनेस्टी वाले सीन में। नरेंद्र सेन प्रवर सेना के बाद राजा बनता है, और ये बनता है 440 CE से 460 CE तक। अब क्या होता है, ये होता है वीक रूलर, कमजोर रहता है। कमजोर होने के कारण से अब देखिए लगातार इनको किसका प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, गुप्ता अंपायर का। और ये गुप्ता अंपायर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है, तो कोई भी इनको टच करने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन नरेंद्र सेन क्या होता है, ये वीक रूलर हो जाता है, और इस समय तक गुप्ता एम्पायर भी वीक हो जाती है। मतलब देखिए गुप्ता एम्पायर भी 540 सीई तक गई है और वकाटका भी 500 सीई तक गया हुआ है, तो नियरली दोनों के दोनों कह सकते हैं कि पास पास ही हैं। तो ये भी क्या होती है, वीक हो जाती है, लेकिन फिर भी रिलेटिवली नरेंद्र सेन से स्ट्रांग रहता है इस समय का गुप्ता एम्पायर। तो यहां पर क्या होता है, नरेंद्र सेन जब वीक हो जाता है तो यहां पर एक्सटर्नल अटैक होना शुरू हो जाता है। और इस समय जो एक्सटर्नल अटैक किया रहता है उसका नाम रहता है भवदत्त वर्मन। लेकिन क्या होता है, जैसे तैसे जो हमारे नरेंद्र सेन है विद द हेल्प ऑफ दिस गुप्ता एम्पायर ही मतलब कि वॉन द वॉर, तो जीत जाता है, जो भी वॉर वगैरह हुआ रहता है उसको जीत जाता है। अल्टीमेटली जो होता है इस तरीके से चीजें हो जाती हैं। लेकिन फिर क्या होता है, नरेंद्र सेन के बाद जब ये नरेंद्र सेन भाई साहब हट जाते हैं, मर जाते हैं, तब उसके बाद से दूसरा राजा बनता है जिसका नाम है पृथ्वीसेन 2। लेकिन ये पृथ्वीसेन और ज्यादा वीक होता है, और वीक होने के कारण से क्या होता है कि अब एक्सटर्नल अटैक और ज्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब कि जो बाहर के डायनेस्टीज है वो और ज्यादा अटैक करना शुरू हो जाती है, और इस तरीके से पूरे के पूरे साम्राज्य का, पूरे के पूरे जो वकाटका डायनेस्टी है उसका अब खत्म हो जाता है, वकाटका डायनेस्टी अब खत्म हो जाती है, और अल्टीमेटली चालुक्य का राइज हो जाता है। तो इस तरीके से चालुक्य जो है वो कवर कर लेते हैं, हालांकि चालुक्य बाद में जो होता है डिवाइड हो जाते हैं, जो वकाटका साइड के मतलब गुजरात का एरिया, विदर्भ का एरिया है, वहां पर सोलंकीज मतलब राज करना शुरू कर देते हैं, और जो सेंट्रल इंडिया मतलब कि हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का रीजन है, उधर चालुक्य राज करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से आगे की चीजें बनती हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये वकाटका है, बाद में क्या हुआ कि ये चालुक्य इसको अटैक करना शुरू कर देते हैं,
और चालुक्या ये वाला जो रीजियन है वो अल्टीमेटली सोलंकी के द्वारा कवर कर लिया था और ये इलाका चालुक्या के द्वारा कवर कर लिया था। दिस इज हाउ जो डायनेस्टी है वो चेंज हो जाती है। क्लियर हो गया क्या चीज है, पूरा का पूरा एक आइडिया लग गया क्या है सिस्टम। तो अब देखिए आपको और ज्यादा समझ में आएगा। रिसेंट एक्सकवेशन एस नागार्धन नियर नागपुर, देखिए सेंट्रल इंडिया अगेन और इनफैक्ट महाराष्ट्र के पास में ही है प्रोवाइडेड कॉन्क्रीट एविडेंस ऑफ द लाइफ रिलीजियस एफिलिएशन एंड ट्रेड प्रैक्टिस ऑफ द वकाटका डायनेस्टी। ओवल शेप की एक मतलब सीलिंग मिली है जो कि प्रभावती गुप्त मतलब जो क्वीन ऑफ वकाटका डायनेस्टी थी उसके मतलब टाइम पीरियड की बोली जा रही है। हालांकि वकाटका चूंकि क्या है, इनके पास क्या है पोर्ट है, देखिए महाराष्ट्र है इनके पास में क्या है पोर्ट एरिया पड़ा हुआ है, तो पोर्ट एरिया अगर पड़ा रहेगा तो सीधी सी बात है ट्रेड होगा, ट्रेड किधर के साइड होगा अपने इधर वेस्टर्न साइड में होगा। और वेस्टर्न साइड में आती कौन कौन सी है, वेस्टर्न साइड में आती है ईरान मेडिटेरेनियन सी, तो इन लोगों के साथ में इनका ट्रेड काफी ज्यादा होता है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो सील वगैरह मिली है, जो भी ये मतलब मोहर वगैरह मिली है, वो पूरा का पूरा इसी ट्रेड को लेकर के ही होता होगा। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो आपको बेसिकली नागार्धन एक्सकेवेशन क्या है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और बेसिकली वकाटका डायनेस्टी आपको पढ़नी ही पढ़नी है। वकाटका डायनेस्टी के बारे में देखिए यहाँ पर एक छोटा सा समरी दिया हुआ है कि यह ब्राह्मणिकल डायनेस्टी थी, बिल्कुल क्लियर है ब्राह्मणिकल डायनेस्टी थी ही। इनफैक्ट गुप्तास दे वर ऑल्सो वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ब्राह्मण्स, और इसी वजह से जो होता है ये वकाटका डायनेस्टी के काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे। इनके टाइम पीरियड देखिए 250 से 500 CE तक है। टेरिटोरियल एक्सपेंशन देख ही रहे हैं आप, सदर्न एज ऑफ मालवा से गुजरात इन द नॉर्थ एंड तुंगभद्रा रिवर इन द साउथ एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट टू द एजेस ऑफ छत्तीसगढ़ इन द ईस्ट। तो बेसिकली क्या पूरा का पूरा सेंट्रल इंडिया वाला जो पार्ट है वही है। फाउंडर विंध्य शक्ति ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। रॉक कट बुद्धिस्ट विहार चैत्य अजंता केव ये सब जो है बनाया गया था हरिसेना के द्वारा। हरिसेना वॉज द लास्ट रूलर। एलिफेंट गॉड वॉज द कॉमनली वर्शिप्ड डाइटी इन दोज टाइम। तो इस तरीके से हम लोगों ने बेसिकली वकाटका डायनेस्टी के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया, एंड दिस इज हाउ द ये करंट अफेयर्स हो जाती है। क्लियर ओके। इसके बाद से हमारा एक नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, दैट इज बोडो अकॉर्ड। बोडो अकॉर्ड के बारे में थोड़ा सा पहले आप लोग जान लीजिए बोडोलैंड के बारे में। अब बोडोलैंड की कहानी जरा शुरू होती है, लेट मी टेक दिस रेड पेन। यस हाँ, तो अब देखिए ये हमारी है जो नॉर्थ इंडिया है, मतलब नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। दिस इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहले जो होता है इस असम राज्य को बुलाता था अहोम राष्ट्र। अहोम से ही बाकी मिजोरम मणिपुर ये सब तोड़ करके निकला हुआ है। तो यहां पर क्या होता था, अहोम राज्य हुआ करता था, और यहां पर होती थी ग्रेटर नागालैंड, और ऊपर होता था नेफा NEFA नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज होती थी। अब होता हुआ क्या, अहोम राज्य में क्या है कि अपनी अलग अलग तरीके की ट्राइब रहती थी, लेकिन यहां पर क्या है बॉर्डर एरियाज में एक ट्राइब रहती थी जो कि बोडो ट्राइब होती है, बोडो ट्राइब कहलाती है। और जैसे ही इंटीग्रेशन किया गया इंडिया में और इस तरीके से नेफा वगैरह का नाम चेंज करके इसको इंडिया में एज अ सेपरेट स्टेटहुड दिया गया, बोडो स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर देयर ओन स्टेटहुड, ये अपनी स्टेट की डिमांड करना शुरू कर दिए, और इस तरीके से बोडो का एक अपना कह लीजिए कि स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। तो अगर बात करते हैं बोडोलैंड के बारे में, तो ऑटोनॉमस रीजियन इन द स्टेट ऑफ असम, चार डिस्ट्रिक्ट है इसमें, कोकराझर बक्सा उदलगिरी एंड चिरांग, नाम याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। बोडोलैंड टेरिटरी एरिया डिस्ट्रिक्ट है, क्या होता है अभी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। दिस इज पॉलिटिकल, ये थोड़ी सी पॉलिटिकल न्यूज है, बात करते हैं। अंडर शेड्यूल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये एरिया आता है, और ये 11% ऑफ असम का एरिया और 10% ऑफ द असम की पॉपुलेशन के बराबर होती है। रिसेंटली क्या हुआ है कि मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम एंड बोडो रिप्रेजेंटेटिव के बीच में एक अकॉर्ड साइन हुआ है जिसका नाम दिया गया बोडो अकॉर्ड, और ये 50 साल के स्ट्रगल का एक सोल्यूशन निकल करके आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। अब जरा हम लोग देखना शुरू करते हैं इनके बारे में। तो बोडो क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि इनिशियल डेज से ही अपनी डिमांड करना शुरू कर दिए थे, स्टेटहुड की डिमांड करना शुरू कर दिए थे, और पहला फर्स्ट ऑर्गेनाइज डिमांड स्टार्ट हुआ था 1967-68 के बीच में। क्लियर। असम अकॉर्ड ऑफ 1985 क्यों, क्योंकि इसी समय अरुणाचल प्रदेश एक नया स्टेट इंक्लूड किया गया था नेफा के नाम पे, इंक्लूड कर दिया गया था अरुणाचल प्रदेश, और इस तरीके से इन लोगों को अपनी डिमांड भी मांगनी शुरू कर दी कि भाई हमको भी हमारा स्टेट चाहिए, और इसके लिए दे गिव राइज टू बोडो एस्पिरेशन। एंड इन 1987 ABSU ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन रिवाइव्ड द बोडो स्टेटहुड डिमांड। तो जितने भी देखिए स्टूडेंट लोग होते हैं हमेशा वही पहले विद्रोह करते हैं, तो इस तरीके से यहां पर भी जो कह लीजिए कि रिबेलियंस थे वो पहले स्टूडेंट यूनियन ही निकल करके आए।
अब यहां पर हुआ क्या कि बोडो सिक्योरिटी फोर्सेस 1986 में जो राइज किया गया था, बोडो सिक्योरिटी फोर्स जो कि ये कह लीजिए कि सही संस्था थी, वो अब रिबेलियन बन गई थी। रिबेलियन मतलब दे स्टार्टेड वर्किंग फॉर देयर ओन कम्युनिटी एंड द ओन कम्युनिटी की जो डिमांड होती थी वो थी स्टेटहुड, और इस तरीके से ये रिबेलियन बन गई, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको रिबेलियन करार दे दिया और इनका नाम बढ़ गया नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। तो ये नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड बन गया, लेटर स्प्लिट इनटू फैक्शंस, बाद में टू टाट गए हैं, क्या हुआ है ये हम लोग बात करेंगे अपनी जब इंटरनल सिक्योरिटी की डिस्कशन करेंगे तब। इंटरनल सिक्योरिटी में हम लोगों को इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कशन करना होता है, ये हमारा मेंस का टॉपिक है जो जीएस पेपर 3 में आता है। चलिए है तो फर्स्ट बोडो अकॉर्ड वॉज साइन बिटवीन एबीएसयू ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन इन 1993, दिस लेड टू क्रिएशन ऑफ। अब यहां पर हुआ क्या, फिर से ध्यान से सुनिएगा, अब यहां पर क्या हुआ, स्टूडेंट यूनियन के साथ में एक एग्रीमेंट हो गया और इन्होंने क्या किया, असम को इस बोडो एरिया को रख दिया शेड्यूल 5 के अंतर्गत, शेड्यूल 5। लेकिन शेड्यूल 5 में सब कुछ अच्छा है लेकिन देखने में अच्छा है, क्यों, क्योंकि यहां पर पॉलिटिकल पावर दे दी जाती है, एग्जीक्यूटिव पावर दे दी जाती है लेकिन फाइनेंशियल पावर नहीं दी जाती है। और हम लोगों को पता है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पावर तभी और तभी केवल एक्सरसाइज किया जा सकता है जब संस्था के पास में अपनी फाइनेंशियल पावर हो। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये शेड्यूल 5 में जो मतलब दिया गया था, धीरे धीरे वो अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और लोग फिर से इसके अगेंस्ट होना शुरू हो गए। एंड दिस लेड टू क्रिएशन ऑफ बोडोलैंड ऑटोनॉमस काउंसिल विद सम लिमिटेड पॉलिटिकल पावर्स। लेकिन जब ये क्या है 1993 के बाद लोगों को जब इसका इफेक्ट दिखना शुरू हो गया, तो उसके बाद से फिर से एक नया विद्रोह, फिर से नया कह लीजिए कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में फिर से उठना शुरू कर देंगे। और 2003 में 10 साल के बाद सेकेंड बोडो अकॉर्ड वॉज साइन, क्यों, क्योंकि फिर से विद्रोह होना शुरू हो गया था। और इस समय जो विद्रोह मतलब कि इस समय जो रिबेलियन ग्रुप था वो था बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स एंड द सेंटर एंड स्टेट, इन लोगों के बीच में आपस में एग्रीमेंट हो गया। और इसके बाद से क्या हुआ कि दिस लेड टू क्रिएशन ऑफ बोडोलैंड ट्राइबल काउंसिल, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट अंडर 6th शेड्यूल में अब इंक्लूड कर दिया गया। अब ये 5th शेड्यूल से 6th शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया गया। 6th शेड्यूल और 5th शेड्यूल में अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है कि यहां पर 6th शेड्यूल में इनको पॉलिटिकल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर एज वेल एज फाइनेंशियल पावर भी मिल जाती है। तो इस तरीके से जिस चीज की डिमांड थी वो डिमांड कहीं ना कहीं फुलफिल हो गई थी, लेकिन अभी भी ये पूरी डिमांड फुलफिल नहीं हुई जो 2003 में हो रही थी। और अगेन जो होता है इनका स्ट्रगल फिर से जारी रहा। स्ट्रगल में अब क्या हुआ कि जो बोडो एरियाज हैं अभी केवल जो असम के अंडर में आते हैं, केवल और केवल उन्हीं को शेड्यूल 6 में रखा गया था, लेकिन जो वेस्ट बंगाल में आते थे उनको अभी भी कोई प्रोटेक्शन नहीं था और वो अभी भी केवल और केवल शेड्यूल 5 में आ रहे थे। और बिकॉज ऑफ दैट यहां पर स्ट्रगल काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया, वायलेंट स्ट्रगल होना शुरू हो गया। अब इसके बाद से क्या हुआ कि हमारी ममता दीदी ने किया क्या, इन्होंने बंगाली लैंग्वेज को सुपर इंपोज कर दिया इस बोडो लोगों के ऊपर। तो लैंग्वेज इंपोजिशन हो गया कि बंगाली तो आपको आनी ही आनी चाहिए। तो इस तरीके से जो बोडो लोग थे उन्होंने कहा कि यार ये तो हमारे कल्चरल आइडेंटिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा धक्का हो जाएगा, हो सकता है हमारी कल्चरल आइडेंटिटी आगे जाकर के खत्म हो जाए। तो इस वजह से स्ट्रगल होना शुरू हो चुका था। और अब अल्टीमेटली दोनों गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब असम की गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अल्टीमेटली बोडो रिप्रेजेंटेटिव के बीच में हमारा एग्रीमेंट हो गया। और इसी एग्रीमेंट को हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि 2020 में हुई है, जनवरी 2020 में हुई है। और इस जनवरी 2020 के बाद जो की पॉइंट्स है वो हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या की पॉइंट्स निकल के आए हैं। तो इस की पॉइंट में है कि बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन BTR, इसी को बोलते हैं BTR, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, या बोल सकते हैं कि जब भी 6th शेड्यूल बनाई जाती है तो उस 6th शेड्यूल के बाद से एक ट्राइबल रीजन, ट्राइबल काउंसिल बना दी जाती है, वही ये चीज है। तो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन वुड इंक्लूड द विलेजेस विच आर डोमिनेटेड बाई बोडोज बट आर आउटसाइड BTAD, मतलब कि जो असम में थे BTAD में वहां पर तो ठीक है, लेकिन अब क्या है उस रीजन को भी, उस विलेज को भी इंक्लूड किया जाएगा जहां पर दूसरे स्टेट में था। तो विलेजेस एंड नॉन बोडो पॉपुलेशन वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट, तो जो भी विलेज होगा या नॉन बोडो पॉपुलेशन होगी उसको बाहर रखा जाएगा, केवल और केवल बोडो वाले लोगों को ही रखा जाएगा। तो बेसिकली क्या है, जो बोडो लोग आपस में यूनाइटेड होना चाहते थे अब वापस से यूनाइटेड हो गए हैं। इसके अलावा एक कमेटी बनाई जाएगी टू डिसाइड एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन ऑफ न्यू एरिया, तो जो भी नया एरिया मतलब जोड़े आने हैं उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी।
सब्सिक्वेंटली द नंबर ऑफ असेंबली सीट विल गो अप टू 60 हो जाएगी, जहां पर भी विधानसभा की सीट में इनका जो भी रिप्रेजेंटेशन है, जो कि पहले 40 था. बोथ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ABSU एंड BTC विल प्रेजेंट इन द कमेटी. तो जो कमेटी होगी, ऐसा नहीं है कि कमेटी में कोई भी बंदा होगा, इसमें जो यहाँ के ग्रुप वाले लोग हैं, मतलब कि ABSU ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के लोग रहेंगे और बोडो लैंड टेरिटोरियल काउंसिल के लोग रहेंगे, इसके अलावा और भी लोग रहेंगे, बट इन दोनों की भी प्रेजेंस रहेगी. इसके अलावा एक वेलफेयर कमेटी बना दी गई है, जिससे कि जो बोडो विलेज है जो नया बनाया जाएगा, उनका डेवलपमेंट कैसे होगा इसके बारे में देखने के लिए. और इस वेलफेयर काउंसिल का नाम है बोडो कचहरी वेलफेयर काउंसिल. इसके अलावा बोडोज लिविंग इन हिल विल बी मतलब कन्फर्ड एज शेड्यूल्ड हिल ट्राइबल स्टेटस, तो इनको भी एक ट्राइबल स्टेटस वगैरह दे दिया जाएगा. इतना कुछ खास नहीं है ये, बट हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट. बोडो लैंग्वेज विद देवनागरी स्क्रिप्ट वुड बी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द एंटायर असम. अब देखिए है क्या कि असम के लिए ये कह दिया गया कि देवनागरी स्क्रिप्ट जो है सो है वो रहेगी ही. इसके अलावा एक और एसोसिएट लैंग्वेज रखी जाएगी बोडो. इसका मतलब ये है कि अगर हिंदी में कामकाज चल रहा है, इंग्लिश में कामकाज चल रहा है, तो बोडो में भी एक और ऑफिशियल कामकाज चलना शुरू हो जाएगा इन द फॉर्मेट ऑफ एसोसिएट लैंग्वेज. ठीक, तो इस तरीके से इनको कल्चरल प्रोटेक्शन के बारे में बात करनी शुरू हो जाती है. हाउवर द अग्रीमेंट हैज नॉट पर एड्रेस द इशू ऑफ सिटीजन और वर्क परमिट फॉर नॉन डोमिसाइल ऑफ BTAD. जैसे मान लीजिए कि हम और आप में से कोई, अगर मान लीजिए कोई बंदा है, वो कहना चाह रहा है कि हमको यार BTAD में जाकर के काम करना है, तो उसके बारे में कोई भी एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ है कि हम लोग को वर्क परमिट लेके करना पड़ेगा या कैसे करना पड़ेगा, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या सुविधाएं मिलेंगी, यहां पर कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ है. तो अगेन क्या है, दिस कैन बिकम अ राइजिंग पॉइंट या फिर दिस कैन बिकम अ बर्निंग पॉइंट इन द नियर फ्यूचर, जो भी होता है देखते हैं. इसके अलावा अराउंड 1500 कैडेट्स ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड विल बी रिहैबिलिटेड एंड असिमिलेटेड बाई द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो इनको रिहाब वगैरह कराया जाएगा, घर वर दिया जाएगा, देखा जाएगा. इसके अलावा क्रिमिनल केसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक की पॉइंट बताया गया है कि क्रिमिनल केसेस जितने भी है NDFB मेंबर के, जो कि इंटरनल रिबेलियन ग्रुप के रूप में इनकी आइडेंटिटी बन गई है, और जिन्होंने कोई भी हीनियस क्राइम नहीं किया है उनको हटा दिया जाएगा, और जिन्होंने हीनियस क्राइम किया गया उनके ऊपर रिव्यू की जाएगी कि आखिर में उन्होंने काम क्या किया है और उनके ऊपर कौन से चार्जेस लगाए जा सकते हैं. अभी तक इनके ऊपर में लगा हुआ है रासुका, या कह सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये लगा हुआ है. क्लियर. कंप्रिहेंसिव सॉल्यूशन हैव बीन मेड टू रिड्रेस द ग्रीवांस ऑफ द पीपल. तो एक पूरा का पूरा एक कंप्रिहेंसिव सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, जिससे कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो. क्लियर. फैमिली ऑफ पीपल किल्ड ड्यूरिंग द बोडो मूवमेंट विल गेट 5 लाख ईच, स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज वगैरह दिया जाएगा. तो ये सब तो चलिए ठीक है, कंपनसेटरी पैकेज है. तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने की पॉइंट डिस्कस किया, जिस तरीके से इनके इश्यूज हैं और इश्यूज को क्या क्या कैसे कैसे हम लोग इसको टैकल कर सकते हैं. समझ में आ गया पूरा डिटेल कैसी चीज है. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हमारे आते हैं भक्त रामदासु के बारे में. नाम इनका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कर्नाटिक म्यूजिक से रिलेटेड है, कर्नाटिक म्यूजिक. और कर्नाटिक म्यूजिक के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कर्नाटिक म्यूजिक. जहां पर हम लोगों ने बात किया था कर्नाटिक म्यूजिक काफी ज्यादा रिजिड म्यूजिक है और ये मतलब काफी इंटेलेक्चुअल म्यूजिक है और रिलीजियस स्पिरिचुअल म्यूजिक है. तो फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह होती नहीं है, रिजिड होती है. तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर नहीं देखे हैं तो काइंडली गो विद द अर्लियर वीडियोस, जितने भी पुराने वीडियोस उसको आप लोग देख लीजिए. करंट अफेयर्स में क्यों है, क्योंकि अभी फिलहाल में क्या हुआ है कि 11-foot ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ भक्त रामदासु विल बी अनवील्ड इन हिज बर्थ प्लेस नालाकोंडाईपल्ली इन तेलंगाना. ठीक है, अभी क्या हुआ है, जो इनका ये जो नालाकोंडाईपल्ली है ये बेसिकली पड़ता है आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और आदिलाबाद के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, पहले ही डिस्कस किया हुआ है आदिलाबाद. आदिलाबाद में क्या है, हम लोगों ने बात किया हुआ था निर्मल फोर्ट के बारे में, निर्मल फोर्ट वगैरह के बारे में. ठीक है, तो ये हम लोगों ने उदासी मठ वगैरह के बारे में बात किया था, उदासी मठ. ठीक है, तो ये ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा क्या क्या चीजें हैं. इनका जो ओरिजिनल नाम था भक्त रामदासु का, उनका नाम था कंचारला गोपन्ना, जिसको मतलब भक्त रामदासु के नाम से बोला जाता था. क्यों, क्योंकि लॉर्ड राम के ये डिवोटी थे, मतलब लॉर्ड राम के ये पूजा पाठ करते रहते थे और कर्नाटिक म्यूजिक के कंपोजर थे. 7th सेंचुरी में क्या होता है कि ये एक टेम्पल बनाते हैं जिसका नाम रहता है श्री सीतारामाचारा, मतलब सीताराम के नाम पर ही बनाए रहते हैं स्वामी टेम्पल, ये बनाए रहते हैं. ठीक है, बाकी जो होता है राम जी के लिए ही हमेशा ये डिवोशनल म्यूजिक और ये सब चीजें लिखे रहते हैं, बाकी आप बताते रहते हैं. कर्नाटिक म्यूजिक के बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है. दिस इज इंपॉर्टेंट कि इन्होंने क्या है कि 108 पोएम्स लिखा, जिसको बोला जाता है दशरथी सतकामू.
ठीक है, जो कि डेडिकेटेड है दशरथ को, जो कि पिता रहते हैं लॉर्ड राम के। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो बेसिकली आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन ये पूछा सकता है फिलहाल में इससे कि कहां पर अनवील किया गया है, फिर उसके बाद आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप लोग जानते रहिए कि क्या क्या चीजें हैं, और कर्नाटिक म्यूजिक के बारे में, दैट इज ऑल। इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है और कुछ नहीं आ सकता है। बाकी इसके बाद से हमारे एक और करंट अफेयर्स है, दिस इज द लास्ट करंट अफेयर्स, और यहां पर क्या है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में बताया गया है कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है। ये केवल और केवल इंडियन नेशनल या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट को ही केवल दिया जा सकता है, इंडिविजुअल को भी दिया जाता है और इंस्टीट्यूट को भी दिया जाता है। दूसरी करंट अफेयर्स है कि नाइजीरिया में क्या है कि महात्मा गांधी का एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया गया है। इससे क्या है कि आपस में दो देशों के बीच में कनेक्टिविटी वगैरह काफी बढ़ जाएगी। पहला ऐसा मतलब महात्मा गांधी का इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर खोला गया नाइजीरिया में। इसके खुलने के बाद बाकी के जितने भी कंट्रीज हैं इन द अफ्रीकन कंटिनेंट, उन्होंने भी क्या है डिमांड की है कि हमारे यहां पर भी कन्वेंशन सेंटर वगैरह खोलिए, हमें भी गांधी जी के बारे में बताइए, हमें भी गांधी जैसा बनना है। तो ये चीज हुई है। इसके अलावा तीसरी करंट अफेयर्स है जो कि है भारत पर्व। भारत पर्व क्या होती है? भारत पर्व क्या होती है कि 26 जनवरी के बाद से 31 जनवरी तक चलती है। 26 जनवरी को हम लोग पता है रिपब्लिक डे होता है, और इस दौरान क्या होती है झांकियां वगैरह निकलती हैं, हर एक स्टेट अपना अपना जो होता है कुछ एक कल्चरल आइडेंटिटी दिखाता है। तो ये लगातार 5 डे चलती रहती है। तो इनकरेज इंडियंस टू विजिट डिफरेंट टूरिस्ट प्लेस ऑफ इंडिया एंड टू इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ देखो अपना देश, अपने देश के बारे में देखिए। देखो अपना देश ये एक स्कीम भी है जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की है, और बेसिकली क्या है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ही किया जा रहा है, और ये पर्व भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ही स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए MHRD की एक स्कीम है जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके दौरान में होता क्या है कि दो स्टेट के बीच में आपस में लिंक बिठाई जाती है, और उनके स्टूडेंट को एक दूसरे स्टेट में भेजा जाता है, और वहां पर उनके कल्चर को समझने के लिए अपॉर्चुनिटीज दी जा रही होती हैं। जैसे गुजरात और आंध्र प्रदेश को आपस में लिंक किया गया है, हरियाणा को मतलब तेलंगाना के साथ में लिंक किया गया है। तो इस तरीके से चीजें होती हैं जहां पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की चीज MHRD की स्कीम है। क्लियर हो गया क्या चीज है? हमेशा ध्यान रखिएगा, इस स्कीम में हमेशा डाउट होता है लोगों को, ये MHRD की स्कीम है। इसके अलावा एक और हमारा लास्ट करंट अफेयर्स है, दैट इज नगोबा जत्रा फेस्टिवल। नगोबा जत्रा फेस्टिवल जो होता है वो गोंड ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, और इनका जो डांस होता है उसको गुसाड़ी डांस भी बोला जाता है। दोनों चीजें हाईली प्रोबेबल है आपके एग्जाम में आने के लिए। इसके अलावा देखिए जो गोंडी लैंग्वेज है वो भी मतलब द्रविड़ियन लैंग्वेज के अंतर्गत आती है, ठीक है। नगोबा जत्रा फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया जाता है बाय द मिसराम राज गोंड्स एंड प्रधान्स इन तेलंगाना स्टेट, ठीक है। नगोबा जत्रा इज अ ट्राइबल फेस्टिवल हेल्ड इन आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट। अगेन आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है, तो अगेन आपको याद रखना चाहिए कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है। आदिलाबाद इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट इन दिस करंट अफेयर्स, बहुत ज्यादा जो होता है फेमस हुआ है, तो इसलिए हाईली चांस आर देयर। इंडिया इट इज द सेकेंड बिगेस्ट ट्राइबल कार्निवल एंड सेलिब्रेटेड बाई मेसरम क्लैन ऑफ गोंडी ट्राइब फॉर 10 डेज, 10 दिन के लिए मनाया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए कि गुसंडी डांस क्या है, नगोबा जत्रा क्या है, कहाँ मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है, ये सब चीजें। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा का पूरा कल्चर के करंट अफेयर्स को देख लिया। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन करके वहां पर भी अपने डाउट पूछ सकते हैं, हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे क्या चीज है। इसके अलावा देखिए एक और करंट अफेयर्स अभी आएगी, और वो रहेगी जितने भी इंस्टीट्यूट्स ऑर्गेनाइजेशंस या संस्थाएं जितनी भी हैं वो जो न्यूज में रही हैं उनके बारे में, एंड दैट इज हाउ वी विल कंप्लीट आवर दिस जनवरी करंट अफेयर्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।